गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी होमवर्क से 71 है। सब्जेक्ट इंग्लिश हैंड राइटिंग है, ड्राइंग एंड राइम्स है, क्लास नर्सरी है। और इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इंग्लिश हैंड राइटिंग। ये हमारी इंग्लिश की हैंड राइटिंग है, तो इसमें क्या करना है आपको, लिखना है। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स। तो इसको पढ़ना है आपको, यहाँ पर लिखना है लाइनों में, प्रॉपर लाइन में लिखेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर टू, इसमें क्या है, राइट 1 to 18 काउंटिंग। 1 से लेकर 18 तक काउंटिंग है, तो इसमें क्या करना है आपको, लिखना है, इसको पढ़ना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18। तो इसमें आपको पढ़ना है इस तरह से, और इसको अच्छे से प्रॉपर लाइन में लिखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें क्या है, राइट ए टू एन कैपिटल लेटर्स, मतलब ए से लेके एन तक आपको लिखना है कैपिटल लेटर्स। इसमें क्या करना है, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हैन, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जैक, के फॉर काइट, एल फॉर लॉयन, एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट। तो इसको पढ़ना और लिखना चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, मिसिंग लेटर, मतलब इसमें लेटर मिसिंग है, तो इसमें क्या करना है ये लिखना है। जैसे एक बार बी आता, सी के बाद डी आता, ई के बाद एफ, जी के बाद एच, आई के बाद जे, तो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, कलर इट, मतलब ये बॉल है, वी फॉर बॉल, बॉल मीन्स क्या होता है, गेंद। तो इसके बाद में आपको इसमें कलर आपको फिल करना अच्छे से, आपको जो कलर अच्छा लगे वो आप इसमें कलर कर सकते हैं। थैंक यू।